डाक विभाग द्वारा हर वर्ष शिमला में डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्लैट लिस्टों द्वारा संजोए गए डाक टिकट को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। इस वर्ष भी सोमवार को डाक विभाग द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में शिमला डाक टिकट प्रदर्शनी सिंपेक्स 2018 का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर में सोमवार को डाक विभाग द्वारा डाक टिकट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने किया। इस मौके पर निगम के उपमहापौर राकेश कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में डाक विभाग द्वारा फ्लैट लिस्टों द्वारा संजोए गए काफी पुराने डाक टिकट्स को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी समय समय पर आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे काफी कुछ जानकारी हासिल होती है। बहुत गर्व होता है हमें कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता अभी तक संभाल के रखी गई है और उसका इतना महत्व है हम लोगों के लिए, बहुत गर्व की बात है। और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही वैल्यूएबल है, ये मिलती नहीं हैं ये सब चीज़ें, और हमें एक छत के नीचे ये सब देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर बार जो है इस तरह की प्रदर्शनी लगे ताकि लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। डाक विभाग के चीफ पोस्टमास्टर जनरल पीएस नेगी ने कहा कि डाक विभाग द्वारा हर वर्ष डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी पुरानी संग्रहित डाक टिकट्स को प्रदर्शित किया जाता है। फिलेटली एक यूनिवर्सल हॉबी है, ये सारी दुनिया में हॉबी के तौर पर बहुत ही प्रसिद्ध है। और फिलेटली सिर्फ हॉबी नहीं है, एक किस्म का ये जो है पूरा नॉलेज बेस्ड होता है, जो कि टिकट के माध्यम से एक देश जो है अपनी संस्कृति, हेरिटेज, ट्रेड, कॉमर्स और लैंडस्केप, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे करता है दुनिया के लिए। और ये सारी दुनिया में जो फिलेटलिस्ट है इसको बड़े चाव से इसके ऊपर नज़र रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।